बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया में जो पहले आप वाली शर्त लगी थी वो अब खत्म हुई। एनडीए में लगभग सीट बंटवारा हो चुका है, वहीं इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा पड़ा है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे के बगैर ही आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों के एक तरफा सिंबल बांटे जा रहे हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टियों की बेचैनी और नेताओं की टिकट मिलने की चाहत सामने आने लगी है। बीजेपी जेडीयू से लेकर आरजेडी कांग्रेस तक में खलबली मची है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है और उसके साइड इफेक्ट भी सामने आ चुके हैं। बता दें, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने 4 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, पर जब सीट शेयरिंग को लेकर तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सीटों का बंटवारा अभी हड़बड़ा करके कोई फैसला नहीं ले लेगा। जब बंटवारा होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, आपसी तालमेल नहीं है दोनों। भाजपा के लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, इस बार पब्लिक उनको सबक सिखाए। तेज प्रताप का दावा है कि 2024 और 2025 में जनता बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। 2024 यानी लोकसभा चुनाव, 2025 यानी बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि महागठबंधन को लेकर उन लोगों को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को जानती है और जल्द ही जनता सबक भी सिखाएगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। महागठबंधन के घटक दलों में आरजेडी 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और वामपंथी दल 8 सीट पर दावेदारी कर रही है। यही कारण है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि एनडीए के बाद इंडिया में सीट बंटवारा कब होता है और इसका नतीजा क्या सामने आता है। पटना से शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।